बच्चों चलिए हम लोग जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वे अभी तक हम लोगों का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज हम लोगों का सरफेस केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए। बच्चों हम लोगों को मालूम है इस बार सीबीएसई ने हम लोगों का जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू कोविड-19। तो फिर हम लोगों का कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है मैं आप लोगों को इधर पे स्क्रीन पे लिख के रखा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार। हम लोगों का जो ऊपर वाला टॉपिक्स है उसको इस बार पढ़ना है और जो मैं नीचे पे टॉपिक्स इधर पे लिख के रखा हूँ डिलीटेड टॉपिक्स बोल के, ये टॉपिक्स को हम लोगों को इस बार नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा, मतलब उधर से हम लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों का कौन सा टॉपिक्स कवर हो गया था सरफेस केमिस्ट्री का, हम लोगों का ये फर्स्ट वाला टॉपिक कवर हो गया था एडसॉर्प्शन, उसके बाद हम लोगों का फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन ये टॉपिक भी हो गया था, उसके बाद हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड इसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए है, उसके बाद हम लोग का कोलोइडल स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन ये भी हो गया था, उसके बाद हम लोगों का लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स ये वाला टॉपिक भी हम लोग पढ़ लिए है, उसके बाद हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड पे जो फर्स्ट पार्ट था उधर पे हम लोग किंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में स्टडी कर लिए थे। तो फिर आज का जो लेक्चर होगा वो हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए सरफेस केमिस्ट्री का। तो फिर इधर पे हम लोग का दो इधर पे टॉपिक ही बचा हुआ है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोआगुलेशन। बच्चों में आप लोगों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स को पढ़ा रहा हूँ। तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स पे उधर पे हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है तो फिर उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। बच्चों चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर से। तो फिर लास्ट लेक्चर पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर लिए थे और उधर पे हम लोग का ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशन का ये हम लोग का उधर पे खत्म हो गया था, उसके बाद किंडल इफेक्ट भी हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट भी हो गया और उसके बाद कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए थे। तो फिर आज हम लोग का इधर पे जो फिफ्थ और सिक्स और सेवन वाला जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, मतलब हम लोग चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में स्टडी करेंगे और फाइनली हम लोग कोआगुलेशन पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और अभी हम लोग फर्स्ट पे चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल के बारे में इधर पे डिटेल पे स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोग स्क्रीन पे देखिए इधर पे चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों हम लोग का जो कोलोइडल पार्टिकल्स होता है मतलब जो डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल्स होता है कोलोइडल सॉल्यूशन पे वो हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उधर पे चार्ज कैरी करते हैं। तो ये चार्ज हम लोग का बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा वाला हम लोग के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। बच्चों अभी आप लोग देखिए मैं इधर पे क्लासीफाई करके रखा हूँ, कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को इधर पे दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा होता है और निगेटिवली चार्ज हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा होता है। तो फिर आप लोग थोड़ा सा इधर पे स्क्रीन पे देखिए मैं एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ। फर्स्ट पे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट के अंदर पे आप लोग देखिए हम लोग का इधर पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि मैं इधर पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टॉप XH2O। फिर मैं इधर पे एग्जांपल दिया हूँ क्रोमियम ऑक्साइड स्टॉप XH2O एंड Fe2O3 स्टॉप XH2O। बच्चों ये सब हम लोग का क्या है, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या होगा, ये जितना भी ऑक्साइड है उस पे हम लोग का वाटर मोलिकुल प्रेजेंट होगा और वो वाटर मोलिकुल हम लोग का कहीं पे 1 हो सकते हैं, कहीं पे 2 हो सकते हैं, कहीं पे 3 हो सकते हैं, इसलिए मैं उसको आप लोग को इधर पे जनरली एक्स के साथ दिखा रहा हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट का एग्जांपल्स इधर पे क्या दिया हुआ है, बेसिक डाइस्टाफ। डाइस्टाफ मतलब बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग का कलरिंग एजेंट्स होते हैं उसके बारे में इधर पे मीन कर रहे हैं। तो इधर पे फर्स्ट पे बेसिक जिसका नेचर हम लोग का क्या होगा, बेस के जैसे बिहेव करेगा, वो हम लोग का इधर पे क्या है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्ट। तो फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्ट का भी हम लोग का जो चार्ज होता है उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज वो होता है।
नेक्स्ट पे आप लोग हीमोग्लोबिन का एग्जांपल लिखिए। इधर पे हम लोगों का जो ब्लड है, ब्लड एक क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ब्लड पे जो हम लोगों का हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो ब्लड होता है उसको भी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पे उसको काउंट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट का इधर पे दिया हुआ है, ऑक्साइड्स का, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड सॉल्ट। बच्चों में अभी तक जितना भी एग्जांपल्स बोला सब इधर पे हम लोग का क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए इधर पे निगेटिवली चार्ज सॉल्ट हम लोग का कौन सा होगा। फर्स्ट पे एग्जाम्पल में किसका देखे रखा हूँ इधर पे, मेटल्स का, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सॉल्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए मेटेलिक सल्फाइड्स, इधर पे हम लोग का एग्जाम्पल है आर्सेनिक सल्फाइड, फिर एंटीमोनी सल्फाइड, फिर कैडमियम सल्फाइड सॉल्ट्स का इधर पे क्या देके रखा है, एग्जाम्पल्स देके रखा है। मेटेलिक सल्फाइड मतलब बेसिकली हम लोग का उधर पे मेटल एटम, और उधर पे हम लोग का क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए हम लोग का जो एसिडिक डाई स्टाफ होता है, मतलब जो कलरिंग एजेंट हम लोग का उधर पे एसिड जैसे बिहेव करता है, फॉर एग्जाम्पल इओसिन एंड कॉन्गो रेड सॉल्ट, ये सब हम लोग का क्या होता है, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट होते हैं। और आप लोगों को मैं थोड़ा पहले बोल के आया था, बेसिक एक डाई स्टाफ का एग्जांपल दिया था मिथाइलिन ब्लू, वो हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। वेयर एज जितना भी हम लोग का एसिडिक डाई स्टाफ होता है, एसिडिक कलरिंग एजेंट होते हैं, वो सब हम लोग का क्या होता है, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए इधर पे सॉल्ट ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल एटसेट्रा, ये सब का सब हम लोग का क्या होता है, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट होते हैं। बच्चों मैं इधर पे आप लोगों को तो बोल दिया कि हम लोग का जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या तो वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। अभी बात है उधर पे हम लोग का चार्ज कहाँ से आ जाता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे समझाता हूँ कैसे हम लोग का उधर पे चार्ज आ जाता है कोई भी कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर पे। तो बहुत सारे उधर पे मेथड है, मैं आप लोगों को कुछ एक दो मेथड उधर पे आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए इधर पे स्क्रीन पे। फिर फर्स्ट पे इधर पे आप लोग देखिए रीजंस फॉर द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, मतलब कौन सा रीजन के कारण हम लोग का कोलोइडल पार्टिकल्स चार्ज हो जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं इधर पे दो रीजन के बारे में इधर पे लिख के रखा हूँ। फर्स्ट वाला जो रीजन है उधर पे क्या लिख के रखा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्ट पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल्स। और सेकेंड वाला जो रीजन है इधर पे हम लोग का सेकेंड वाला रीजन क्या है, प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स। तो बच्चों में आप लोगों को दोनों पॉइंट को इधर पे थोड़ा सा सिंपल करके समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट इधर पे इलेक्ट्रो डिस्पर्सन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड, बच्चों ये जो इलेक्ट्रो डिस्पर्सन होता है उसको हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। ये हम लोग का प्रिपरेशन वाला पार्ट पे हम लोग स्टडी करते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड के बारे में। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इधर पे इलेक्ट्रो डिस्पर्सन या फिर ब्रेडिक्स आर्क मेथड हम लोग का क्या होता है, और उसके कारण हम लोग का जो कोलोइडल सॉल्ट होते हैं उसके ऊपर पे क्यों चार्ज आ जाता है। बच्चों ब्रेडिक्स आर्क मेथड पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मेटल का हम लोग उधर पे सॉल्ट उधर पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। फिर मेटेलिक सॉल्ट अगर हम लोग को प्रिपेयर करना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये जो मैं इधर पे दो रॉड लेके रखा हूँ, आप लोग देखिए इधर पे भी एक रॉड था और इधर पे भी एक रॉड था, तो फिर ये दोनों रॉड आप लोगों का क्या होगा, उस मेटल का ही होगा जिसका आप लोग सॉल्ट उधर पे बनाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं सपोज आप लोग को ऐसे ही बोला, मैं इधर पे गोल्ड का सॉल्ट सपोज इधर पे प्रिपेयर करने के लिए जा रहा था, तो फिर ये जितना भी हम लोग का इधर पे दो रॉड्स था, दोनों रॉड क्या होगा, गोल्ड का ही होगा। और आप क्या करेंगे, एक रॉड को मेटल का एक रॉड को आप लोग क्या करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा वाला जो रॉड होगा उसको आप लोग क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। अभी उसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड और जो निगेटिवली चार्ज हम लोग का जो रॉड था गोल का, मैं एक दूसरे को उधर पे क्या कर दूंगा, उधर पे कनेक्ट कर दूंगा, और जब मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा तो फिर हम लोग का इधर पे क्या होगा, एक हम लोग का उधर पे आर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग का पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हम लोग का उधर पे एक साथ पे अगर हम लोग कनेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर उधर पे हम लोग का स्पार्क हो जाता है। आर्क फॉर्म होने के टाइम पे या फिर स्पार्किंग जब हम लोग का उधर पे हो रहा था, जब दोनों को कनेक्ट कर रहे थे, तो फिर वो मेल्ट होगा। मेल्ट होने के टाइम पे हम लोग उसको डायरेक्टली कहाँ पे डीप कर देंगे, वाटर पे डीप कर देंगे, तो फिर इधर पे जितना भी हम लोग का गोल्ड का पार्टिकल्स आ जाएगा इधर पे सॉल्यूशन पे, वो सब हम लोग का क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल का रेंज पे वो सब हम लोग का फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग ऐसे करके क्या करते हैं, बेसिकली मेटल का हम लोग क्या फॉर्म करते हैं उधर पे, सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग का उधर पे फॉर्म करते हैं। बच्चों आप लोग देख लीजिए इधर पे सेटअप हम लोग का बहुत ही सिंपल है,
हम लोग नीचे पे इधर पे आइस वाटर लेके रखे थे और उसका ऊपर पे हम लोग इधर पे क्या था जो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे उसका बीकर को हम लोग उधर पे प्लेस करके रखे थे और उधर पे हम लोग के पास वाटर था और मेरे पास उधर पे दो मेटल रॉड था। तो मेटल रॉड को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो फिर उधर पे हम लोग का स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। इसलिए ये हम लोग का नाम आप लोग देख सकते हैं, बेडिक्स आर्क मेथड। बेडिक्स आर्क मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेडिक्स साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। तो उधर पे जब भी आर्क हम लोग का प्रोड्यूस होगा या फिर स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा उधर पे हम लोग का क्या होता है, हीट जनरेट होता है और उस हीट जनरेट होने के कारण हम लोग का जो गोल्ड मेटल होगा वो हम लोग का मेल्ट होगा और मेल्ट होने के टाइम पे हम लोग उसको डायरेक्ट कहाँ पे डिप कर देंगे, वाटर पे डिप कर देंगे और वो भी हम लोग का बहुत ही ठंडा वाटर होगा क्योंकि उसको हम लोग आइस वाटर से सराउंड करके रखे थे। तो फिर उधर पे हम लोग का जितना भी गोल्ड पार्टिकल्स उधर पे हम लोग का क्या होगा आके डिपोजिट होगा हम लोग का उधर पे वाटर पे, वो सबका रेंज हम लोग का क्या होगा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उधर पे हम लोग का जो गोल्ड सोल होगा उसको हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। अच्छा अभी क्या होता है, जब हम लोग उधर पे दोनों को कनेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेसिकली ट्रांसफर होता है और ये जितना भी गोल्ड पार्टिकल्स था वो सब क्या कर लेते हैं हम लोग का इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेते हैं और उसके कारण हम लोग का इधर पे जितना भी गोल्ड का जो पार्टिकल्स है उसका ऊपर पे कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को मालूम होना है जब भी हम लोग बेडिक साइक मेथड या फिर इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड से हम लोग कोई भी मेटल सॉल्स को प्रिपेयर करते हैं तो फिर उधर पे हम लोग का मेटल के ऊपर पे कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि हम लोग का उधर पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का उधर पे कैप्चर हो जाता है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को इलेक्ट्रो डिस्पर्सन और बेडिक साइक मेथड के बारे में आप लोग को समझने हैं और उसके कारण कैसे उधर पे निगेटिव चार्ज आ रहा था हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन पे वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो हम लोग का इधर पे मेथड था प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस उसके बारे में हम लोग इधर पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो आप लोग देखिए इधर पे प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन पे हम लोग का इधर पे क्या होता है, मेरे पास इधर पे क्या था सिल्वर आयोडाइड था और मैं क्या किया वो जो सिल्वर आयोडाइड था वो हम लोग का बेसिकली क्या होता है प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है बच्चों आप लोगों को तो मालूम ही होगा, प्रेसिपिटेट मतलब जो हम लोग का क्या होता है नीचे पे सेटल होके रहता है कोई भी एक सॉल्यूशन पे उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बच्चों आप लोग देखिए तो इधर पे हम लोग को सिल्वर आयोडाइड को क्या बोल के रखा है प्रेसिपिटेट बोल के रखा है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास इधर पे एक बीकर होगा और उस बीकर के अंदर पे अगर वाटर प्रेजेंट था तो फिर हम लोग का सिल्वर आयोडाइड कहाँ पे प्रेजेंट होके रहेगा नीचे पे वो क्या होके रहेगा प्रेजेंट होके रहेगा या फिर सेटल होके रहेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे थे सिल्वर आयोडाइड को हम लोग उधर पे प्रेसिपिटेट बोल रहे थे। जो कि सिल्वर आयोडाइड हम लोग का क्या होगा प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे में सेटल होके रहता है। अच्छा ये जो सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट था उसको मुझे अभी क्या करना है कोलोइडल सॉल्यूशन पे उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन पे अगर उसको कन्वर्ट करना है तो मुझे इधर पे जितना भी इधर पे प्रेसिपिटेट होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर की तरफ पे उसको लेके जाना पड़ेगा, मतलब हम लोग का सॉल्वेंट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे आप लोग देखिए, तो मैं क्या करूंगा सिल्वर आयोडाइड का जो सॉल्यूशन था हम लोग का उधर पे मैं उस पर थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दूंगा, मैं ये वाला जो सॉल्यूशन था उस पर क्या ऐड कर दूंगा पोटेशियम आयोडाइड थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। और जब पोटेशियम आयोडाइड मैं ऐड कर दूंगा उस टाइम पे क्या होगा आप लोग थोड़ा सा देखिए, तो मैं उसको थोड़ा सा इधर पे जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोग देखिए, ये राइट हैंड साइड पे मेरा क्या फॉर्म हो रहा है सिल्वर आयोडाइड के साथ इधर पे आयोडाइड आयन आई माइनस आयन वो जाके क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है। इधर पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है आई माइनस जाके कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है बोल के दिखाई दे रहा है, सिल्वर आयोडाइड के साथ वो एब्जॉर्ब हो रहा है बोल के दिखाई दे रहा है, एब्जॉर्ब मतलब सरफेस के साथ जाके बाइंड हो गया। अच्छा देखिए तो इधर पे बेसिकली होता क्या है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन पे, मेरे पास जो प्रेसिपिटेट था सिल्वर आयोडाइड और उसमें मैं क्या ऐड कर दिया था पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दिया था, तो फिर उधर पे हम लोग का कॉमन आयन क्या है सिल्वर आयोडाइड के साथ, सिल्वर आयोडाइड पे हम लोग का आयोडीन है और साथ ही साथ उधर पे हम लोग का क्या है सिल्वर है, और जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे थे उधर पे भी हम लोग का कौन सा आयन प्रेजेंट है उधर पे आयोडाइड आयन प्रेजेंट है, तो मैं ये जो आयोडाइड आयन होगा वो प्रिफरेंशियली कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा हम लोग का सिल्वर आयोडाइड के साथ वो जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके सरफेस पे जाके बाइंड हो जाएगा, और जब जितना भी आयोडाइड आयन होगा वो आके अगर बाइंड हो जाएगा तो फिर हम लोग का ये जो सिल्वर आयोडाइड होगा उसके ऊपर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का जितना भी आयोडाइड आयन है उस पर क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। फिर ऐसे करके हम लोग का क्या हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड जो हम लोग का उधर पे प्रेसिपिटेट था उसके ऊपर पे हम लोग का कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं।
तो फिर जो हम लोग का आयन सेम होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो आके हम लोग का पे सरफेस पे एब्जॉर्ब या फिर बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला और एक एग्जांपल आप लोग देखिए, तो ये तो मैं आप लोग को निगेटिव वाला जो सॉल है उसका एग्जांपल दिया था, अभी आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव वाला सॉल को भी करके थोड़ा सा देख लीजिए। बच्चों नेक्स्ट पे आप लोग इधर पे देखिए, मेरे पास क्या था, सिल्वर आयोडाइड ही था, और इस सिल्वर आयोडाइड पे अभी हम लोग क्या ऐड करने के लिए जा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के लिए जा रहे हैं। और जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे, आप लोग देख लीजिए इधर पे मेरा सिल्वर आयोडाइड के साथ कौन सा आयन कॉमन है, आप लोग देखिए तो Ag प्लस आयन, सिल्वर आयन हम लोग का इधर पे कॉमन है, तो फिर हम लोग का ये जो सिल्वर आयन होगा वो जाके कहाँ पे बाइंड हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड के साथ जाके वो बाइंड हो जाएगा। अभी मैं उसी को इधर पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए मेरे पास सिल्वर आयोडाइड का इधर पे प्रेसिपिटेट था और उस पर मैं थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, तो इधर पे हम लोग का सिल्वर नाइट्रेट जाके क्या होगा टूट जाएगा, टूटने के बाद आप लोग को उधर पे Ag प्लस और क्या फॉर्म करके देगा, उधर पे NO3 माइनस आयन उधर पे हम लोग को फॉर्म करके देगा, मतलब मेरा जो Ag NO3 था वो टूट के आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, Ag प्लस और NO3 माइनस फॉर्म करके देगा। अभी हम लोग का ये जितना भी Ag प्लस आयन होगा वो जाके प्रिफरेंशियली कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड के साथ, क्योंकि इधर पे हम लोग का Ag प्लस जो आयन है वो कॉमन आयन है, तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन्स बोलते हैं, और उसके कारण अभी हम लोग का देखिए तो सिल्वर आयोडाइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऐसे करके बेसिकली हम लोग का क्या होता है उधर पे कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन पे हम लोग उधर पे चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गया, फर्स्ट वाला बेडिक्स आर्क मेथड या फिर इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड, और सेकेंड वाला प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, जिसके कारण हम लोग का कोलोइडल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। अच्छा ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर पे चार्ज होता है उसके कारण हम लोग का क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्टेबल होके रहता है। तो कैसे वो स्टेबल होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिए स्क्रीन पे, तो मैं इधर पे आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग देखिए मेरे पास इधर पे क्या था, सपोज एक कंटेनर था और उस कंटेनर पे मेरे पास क्या था, पॉजिटिवली चार्ज इधर पे हम लोग के पास कोलोइडल पार्टिकल्स था, इधर पे हम लोग के पास क्या था, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स था। बच्चों ये जो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स है वो हम लोग का क्या करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को वो बहुत ज्यादा स्टेबल कर देते हैं। कैसे अभी स्टेबल करते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे बोल लेता हूँ, आप लोग देखिए इधर पे जितना भी कोलोइडल पार्टिकल्स है उसके ऊपर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग को मालूम है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अच्छा होता क्या है, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो हम लोग का एक दूसरे को रिपेल करता रहता है, तो फिर अगर कोई भी कोलोइडल पार्टिकल्स हम लोग का नीचे की तरफ पे अगर वो क्या करने के लिए कोशिश करेगा, सेटल होने के लिए कोशिश करेगा, फिर नीचे पे अगर जाने के लिए कोशिश करेगा, उस टाइम पे जो नीचे पे हम लोग का कोलोइडल पार्टिकल्स होगा वो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, तो फिर वो हम लोग का नीचे पे जाके सेटल नहीं हो सकते। तो हम लोग का बेसिकली ये जो चार्ज है, चार्ज हम लोग का क्या करता है, कोलोइडल पार्टिकल्स को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को वो क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो रहा है मैं क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा था इधर पे, चार्ज से कैसे हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है। बच्चों चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है और जेटा पोटेंशियल बोल के एक टर्म आता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इधर पे समझने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चों आप लोग स्क्रीन पे देखिए हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है। बच्चों मैं आप लोगों को एग्जांपल ले रहा था उधर पे सिल्वर आयोडाइड कोलोइडल पार्टिकल्स का, तो आप लोग देखिए एकदम सेंटर पे हम लोग का इधर पे सिल्वर आयोडाइड क्या था, प्रेजेंट हो गया था, और उसके सराउंडिंग पे हम लोग का कौन सा आयन्स उधर पे आके एब्जॉर्ब हुआ है, आयोडाइड आयन्स आके उधर पे एब्जॉर्ब हुआ है। जब हम लोग क्या करेंगे सिल्वर आयोडाइड वाला सोल्यूशन पे हम लोग उधर पे पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे, तो फिर इधर पे मेरा कौन सा आयन कॉमन है दोनों का, इधर पे आयोडीन आयन हम लोग का क्या है दोनों में कॉमन है, तो फिर हम लोग का क्या होगा सिल्वर आयोडाइड के साथ जाके उधर पे कौन बाइंड हो जाएगा, आयोडाइड आयन जाके उधर पे बाइंड हो जाएगा। अभी ये जितना भी आयोडाइड आयन आके इधर पे बाइंड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर बोलते हैं, वो हम लोग का फिक्स होके रहते हैं, मतलब वो टाइटली बाइंड होके रहते हैं। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए जो उसका जो बाद वाला लेयर होगा, नेक्स्ट वाला लेयर होगा, उधर पे आके हम लोग का कौन सा उधर पे आयन आके एब्जॉर्ब होगा, उधर पे हम लोग का पोटेशियम आयन आके उधर पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो ये जो पोटेशियम आयन वाला हम लोग का एक लेयर उधर पे बाइंड हो रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर बोलते हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता है, वो डिफ्यूज होता रहता है, मतलब वो मूव करता रहता है,
इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन होता है फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर का, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। तो फिर आप लोग देख लीजिए इधर पे स्क्रीन पे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। बच्चों अभी आप लोग देखे इधर पे हम लोग का जो फिक्स लेयर है उसके ऊपर पे कौन सा चार्ज था, इधर पे निगेटिव चार्ज था, और हम लोग का जो डिफ्यूज लेयर है उसके ऊपर पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अभी हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग का उधर पे चार्ज सेपरेट होके रहता है तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होता है, पोटेंशियल उधर पे हम लोग का डेवलप होते हैं। तो ये जो पोटेंशियल इधर पे हम लोग का डेवलप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए इधर पे नोट पे उसी बात को लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स एंड डिफ्यूज लेयर इज नोन एज जेटा पोटेंशियल। तो बच्चों ये जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे समझ में आ गया है हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है। बच्चों अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला जो हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप लोग देख लीजिए इधर पे डेफिनेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा पहले बोला ही था हम लोग का जो कोलोइडल पार्टिकल्स होता है उसके ऊपर पे हम लोग का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं तो निगेटिव चार्ज होता है। बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे, वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उस पे अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर पे अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो आप लोग देखिए इधर पे इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग के पास यू शेप का उधर पे हम लोग का ट्यूब होता है और उस ट्यूब पे हम लोग का क्या होगा, दो उधर पे मेटल रॉड्स होगा। ये हम लोग का बेसिकली प्लेटिनम का क्या होता है, रॉड्स होते हैं। तो फिर कैथोड और एनोड हम लोग का प्लेटिनम से बना हुआ होता है और हम लोग का प्लेटिनम को क्या करते हैं, बैटरी का एक निगेटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, वो हम लोग का कैथोड जैसे बिहेव करेगा। और एक साइड पे हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे बैटरी का और वो हम लोग का एनोड जैसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। बच्चों ये जो हम लोग के पास एक ट्यूब था उस पर अगर हम लोग क्या करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल करेंगे और सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरा जो उधर पे कोलोइडल पार्टिकल्स था उसके ऊपर पे कौन सा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था, तो वो मेरा कौन सा मेटल रॉड की तरफ पे वो मूव करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ पे मूव करेगा। तो आप लोग उधर पे क्लियरली देख सकते हैं ये जितना भी कोलोइडल पार्टिकल्स है वो जाके कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, हम लोग का ये जो एनोड है एनोड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है उससे हम लोग को क्या मालूम होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसके ऊपर पे क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है बोल के हम लोग को मालूम होता है। तो सो मेरे ख्याल से आप लोग को इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट पे अभी आप लोग देखिए तो थोड़ा सा और एक हम लोग का सिमिलर एक क्या है, एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो फिर थोड़ा सा हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का भी इधर पे स्टडी कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए स्क्रीन पे, बच्चों इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मे बी डिफाइंड एज ए फेनोमेनन इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम आर अलाउड टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज कोलोइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव। बच्चों हम लोग का इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस पे कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, इधर पे हम लोग का डिस्पर्शन मीडियम का क्या होता है, मूवमेंट होते हैं। बच्चों आप लोग एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि हम लोग का जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर पे क्या होता है, चार्ज होता है। तो फिर वो जो मीडियम पे प्रेजेंट होता है उसके ऊपर पे हम लोग का क्या होता है, उसका ऑपोजिट चार्ज हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होता है। बच्चों अभी आप लोग अच्छे से देखिए इधर पे स्क्रीन पे, मेरे पास एक क्या था, एक यू शेप का उधर पे एक ट्यूब था और उस ट्यूब पे हम लोग उधर पे कोलोइडल सॉल्यूशन फिल करके रखे थे और वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन उधर पे प्रेजेंट था उसके ऊपर पे कौन सा चार्ज था, उधर पे पॉजिटिव चार्ज था बोल के मैं उसको क्या कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। अभी क्या होगा, मैं ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन उधर पे था मैं उधर पे बीच पे एक हम लोग क्या लगा देंगे, उधर पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा लेंगे। उधर पे हम लोग एक एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होगा कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट, मतलब सब मॉलिक्यूल्स को उधर पे वो पास होके जाने के लिए नहीं देते हैं। तो फिर कौन सा मॉलिक्यूल्स को वो पास होके जाने के लिए देगा, वो बेसिकली डिस्पर्शन मीडियम पे जो हम लोग का पार्टिकल्स होता है उसको मूव करने के लिए देगा, लेकिन ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसको वो मूव करने के लिए नहीं देगा।
तभी आप लोग याद कर लीजिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम का जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं, वो पास होके जाने के लिए उधर पे देते हैं। अच्छा अभी आप लोग देखिए, तो जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का एक मेटल रोड था, ये जो एक मेटल रोड था उसको अगर हम लोग क्या कर लेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, एक को पॉजिटिव के साथ दूसरे को निगेटिव के साथ, तो भी हम लोग का उधर पे क्या होगा, वो जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, डिस्पर्सन मीडियम अभी हम लोग का क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा या फिर फ्लो करने लगेगा। वैसे हम लोग का कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होगा, उधर पे कहीं पे भी मूवमेंट नहीं होगा। तो फिर डिस्पर्सन मीडियम अगर मूव होगा तो फिर कौन सा डायरेक्शन पे आप लोग मूव होगा, थोड़ा सा सोचिए। तो अगर मेरे पास कोलोइडल जो पार्टिकल था उसके ऊपर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फिर डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर पे कौन सा चार्ज होगा, उधर पे निगेटिव चार्ज होगा। और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो फिर वो कहाँ पे मूव करेगा, हम लोग का एनोड के तरफ पे मूव करेगा। और उसी के कारण आप लोग देखें तो इधर पे हम लोग का क्या हो रहा है, ये जो वाटर लेवल है वो हम लोग का क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, उसका लेवल हम लोग का क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को इलेक्ट्रोस्मोसिस समझ में आ गया, ये क्या होता है, हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम पे जो हम लोग का मॉलिक्यूल्स होता है उसको मूव करने के लिए है। फिर इस इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम लोग का क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग मूव करने के लिए देते हैं। बच्चों मैं इधर पे एक छोटा सा और दो टर्म आप लोगों को बोल देता हूँ। दो टर्म क्या है, अगर हम लोग का कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, तो फिर वो कहाँ पे मूव करते हैं, हम लोग का एनोड के तरफ पे मूव करते हैं। और जब एनोड के तरफ पे मूव करते हैं उसको, वो वाला प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाफोरेसिस, उसको हम लोग बोलते हैं एनाफोरेसिस। और अगर हम लोग का क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो फिर वो हम लोग का कैथोड के तरफ पे मूव होगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाफोरेसिस बोलते हैं। तो फिर बच्चों आप लोग इधर पे उसको याद करके रखिए, हम लोग का जो मूवमेंट होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का टुवर्ड्स एनोड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाफोरेसिस बोलते हैं। वेयर इज कैटाफोरेसिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स कैथोड इज नोन एज कैटाफोरेसिस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इधर पे समझ में आ गया एनाफोरेसिस कैटाफोरेसिस क्या होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक क्या है, हम लोग का जनरल टर्म है। अच्छा इलेक्ट्रोस्मोसिस भी हम लोग को समझ में आ गया। फिर फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो हम लोग का प्रॉपर्टी है कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। बच्चों इसका और एक नाम भी है, इसको हम लोग फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन बोलते हैं। तो फिर आप लोगों को अगर कोआगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन या फिर अगर आप लोगों को फ्लोकुलेशन बोलेगा उसका मतलब सेम ही है, मतलब हम लोग का जो सेटल डाउन वाला प्रोसेस होता है कोलोइडल पार्टिकल्स को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन बोलते हैं, नहीं तो प्रेसिपिटेशन, नहीं तो उसको फ्लोकुलेशन हम लोग बोलेंगे। सेटलिंग डाउन मतलब क्या है, हम लोग का जो निगेटिवली चार्ज या फिर जो पॉजिटिवली चार्ज हम लोग का कोलोइडल पार्टिकल्स है वो हम लोग का नीचे की तरफ पे सेटल होने के बारे में मैं आप लोगों को इधर पे बोल रहा हूँ। निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, नहीं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये हम लोग का जितना भी कोलोइडल पार्टिकल्स होगा वो अगर नीचे की तरफ पे जाके क्या हो जाता है, हम लोग का सेटल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। तो बच्चों आप लोग देखिए तो नोट पे क्या लिखा हुआ है, कोआगुलेशन इज जनरली कैरीड आउट By addition of electrolytes। तो फिर इलेक्ट्रोलाइट एड करने से हम लोग का क्या होता है, उधर पे जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे पे जाके सेटल हो जाते हैं। कैसे होते हैं आप लोग थोड़ा सा इधर पे आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे। बच्चों इधर पे एक आप लोगों को रूल पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो फिर ये रूल क्या है, हार्डी सुलझे रूल। तो फिर हार्डी सुलझे रूल हम लोग को क्या बोलते हैं, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द कोआगुलेटिंग आयन ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोआगुलेशन। मतलब क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे समझाने के लिए कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए इधर पे कोआगुलेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज सोल, हम लोग के पास आर्सेनिक सल्फाइड एक निगेटिवली चार्ज क्या है, सोल है, उसको हम लोग कोआगुलेट करने के लिए जा रहे हैं, मतलब उसको हम लोग प्रेसिपिटेट करने के लिए जा रहे हैं। फिर उधर पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उधर पे सोडियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अगर निगेटिवली चार्ज सोल होगा और उस पर अगर मैं क्या ऐड कर दूंगा, NaCl ऐड कर दूंगा, तो फिर ये NaCl पे हम लोग का दो पार्ट है, कौन सा, एक तो Na प्लस और दूसरा क्या है इधर पे Cl माइनस है। तो फिर ये Na प्लस जाके क्या कर देगा, ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर वो न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर वो जाके नीचे पे मेरा क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन बोलते हैं। तो ये अभी बात है अकॉर्डिंग टू हार्डी सुलझे रूल, इधर पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द कोआगुलेटिंग आयन, अगर वैलेंसी अगर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का तो इधर पे हम लोग का क्या होता है, ज्यादा पावर होता है फॉर कोआगुलेशन। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे सोडियम क्लोराइड था,
बेरियम क्लोराइड था और आप लोगों के पास क्या था उधर पे एल्यूमिनियम क्लोराइड था। अभी किसका हम लोग का पावर ज्यादा होगा आप लोग थोड़ा सा सोच के बोले तो, इधर पे हम लोग के पास Na के ऊपर पे कौन कितना चार्ज होता है प्लस वन, बेरियम के ऊपर पे कितना होगा प्लस टू, एल्यूमिनियम के ऊपर पे कितना चार्ज होगा प्लस थ्री। तो बच्चों अभी आप लोग देखे तो अगर आप लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड करेंगे उधर पे एल्यूमिनियम के ऊपर पे थ्री पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक साथ में क्या करेगा तीन निगेटिव चार्ज को वो क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन आप लोग का बेरियम टू प्लस कितना कर सकते हैं दो निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और Na प्लस सिर्फ एक हम लोग का निगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं वो न्यूट्रल कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग का इधर पे कोएगुलेटिंग पावर किस पे ज्यादा होगा एल्यूमिनियम थ्री प्लस पे। तो फिर आप लोग का इधर पे ऑर्डर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे हाईएस्ट, उसके बाद बेरियम क्लोराइड और उसके बाद सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पे और एक एग्जांपल लिख लीजिए इधर पे कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट हम लोग के पास था फेरिक हाइड्रोक्साइड और उसको अभी हम लोग प्रेसिपिटेट करने के लिए जा रहे हैं, उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इधर पे हम लोग के पास इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड पोटेशियम सल्फेट और इधर पे K3FeCN6। मैं अभी इसका नाम आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका नाम हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पे सीखेंगे, तो फिर उस टाइम पे मैं आप लोगों को इधर पे सिखा दूंगा। तो आप लोग इधर पे देखिए मेरे पास इधर पे क्या था एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट था और इधर पे पास हम लोग का जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है उधर पे आप लोग देख लीजिए इधर पे ब्रोमीन के ऊपर पे कितना चार्ज होगा Br- और सल्फेट के ऊपर पे कितना होगा SO4 2- और ये जो FeCN6 होगा उसके ऊपर पे हम लोग का कितना चार्ज होगा थ्री निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इधर पे तीन पोटेशियम है तीन पोटेशियम का मिला के इधर पे प्लस थ्री, तो फिर इसके ऊपर पे क्या होना पड़ेगा -3 चार्ज उधर पे होना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इधर पे हम लोग का कोएगुलेटिंग पावर कहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुल्जे रूल जिसका वैलेंसी ज्यादा होता है क्योंकि इधर पे तीन निगेटिव चार्ज है तो फिर एक साथ में वो क्या करेगा तीन पॉजिटिव चार्ज को वो प्रेसिपिटेट कर देगा या फिर न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर उसके बाद सल्फेट और उसके बाद हम लोगों के पास Br- का कोएगुलेटिंग पावर होता है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बच्चों चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग किसका किसके बारे में इधर पे स्टडी किया। तो फर्स्ट पे हम लोग के पास इधर पे था चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स और इधर पे मैं आप लोगों को पॉजिटिवली चार्ज सोल और निगेटिवली चार्ज सोल का एग्जाम्पल्स बोला, फिर उसके बाद मैं रीजन बोला क्यों उधर पे हम लोग का चार्ज आ जाता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे। तो फिर दो रीजन बोला था, एक तो हम लोग के पास क्या था इलेक्ट्रो डिस्पर्शन और फिर हम लोग के पास क्या था उधर पे प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन के बाद में आप लोगों को उधर पे बोला था स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है ड्यू टू चार्ज वो स्टेबल होके रहता है। उसके बाद में आप लोगों को हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है और जेटा पोटेंशियल क्या है उसके बारे में बोला, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोस्मोसिस कैटाफोरेसिस एनाफोरेसिस क्या है उसके बारे में भी बोला, फाइनली मैं आप लोगों को कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन समझाया। सो लास्ट पे अभी हम लोग हार्डी-सुल्जे रूल का बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।